तो दोस्तों, जितने भी आपके टीम मेंबर हैं, अगर वो मीटिंग में लाइव नहीं हुए हैं तो आप एक फाइनल कॉल उनको दे दीजिए कुछ ही मिनट में, यानी कि जस्ट 2 से 3 मिनट में हम लोग शार्प टाइम पे मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। और जितने भी यहाँ पे मेन कोर कमिटी के लीडर है, जितने भी स्टेट से जो हमारी कोर कमिटी के मेंबर है, वो लीडर्स को भी मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक में हम लोग एक कोर कमिटी ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि भाई आगे हमको फिलहाल में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके लिए आपके सजेशंस लिए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट लीडर्स के जो कोर कमिटी मेंबर में है, और वो सजेशंस में जितने भी जेन्युइन होंगे उसके ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो तब तक, जब तक वो डेट और लिंक आपको नहीं मिलती है कोर कमिटी मीटिंग के लिए, तब तक आप अपने जितने भी सजेशंस है कंपनी को आगे ले जाने के लिए, ठीक है, वो सभी सजेशंस आप नोट डाउन करके रखना, तो वो दिन मीटिंग में डायरेक्ट हम लोग वही सजेशंस के ऊपर डिस्कस कर सके। क्लियर है भरत भाई और बाकी सब लीडर? ठीक है, तो आप एक लिस्ट बना के रखना, तो उसके ऊपर क्या है कि टू द पॉइंट हम लोग चर्चा कर सके, और उसमें से जितने भी अच्छे सजेशन है वो सभी सजेशन को हम लोग आगे फॉरवर्ड कर सके। और जो हमारा एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से, तो जो पुराने फाइनेंशियल ईयर में हमने बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है और एक स्टेबल बिजनेस सभी लीडर ने और सभी स्टेट ने दिया है, तो अभी वही स्टेबल बिजनेस को कैसे आगे ग्रोथ किया जाए, कैसे फिलहाल के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के सपने को साकार करने के लिए क्या क्या जरूरी है, कंपनी की ओर से आपको क्या क्या सपोर्ट चाहिए, कंपनी को आपका क्या क्या सपोर्ट चाहिए, वो भी हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, और मिलके एक ऐसा लाइक प्लानिंग करें, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि जिससे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग जो हमारे जितने भी लाइक अधूरे सपने हैं वो सब लोग वो सब सपने हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर के और अपने साकार कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बेहद ही अच्छा पॉजिटिव एटमोस्फियर के साथ एक बहुत ही अच्छा मीटिंग का अरेंजमेंट नेक्स्ट वीक में कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी टॉप के स्टेट लीडर अपने नोट पेन में आज से ही जो जो चीजें आपको चाहिए वो आप नोट डाउन करना स्टार्ट करिए, और वो दिन हम लोग डिटेल में डिस्कस करके वही दिन हम लोग फाइनलाइज कर देंगे कि भाई ये चीज हम करने वाले हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन ये अप्रैल महीने से ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारी ओडिशा के साथ कोर कमिटी की मीटिंग हुई थी, वहां पे 2-3 अच्छे सजेशंस आए थे युधिष्ठिर जी, राकेश जी और तपन जी और मैडम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद भरत भाई और अब्दुल भाई भी रूबरू मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी कुछ अच्छे सजेशन दिए थे। तो वो सब चीज और बाकी के जो स्टेट लीडर का जो कुछ भी सजेशन होगा उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करके ये फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट हमको हमारा बिजनेस डबल करना है, वो टारगेट के साथ चलना है। ठीक है, और वो डबल करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 100% ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब चीज हम लोग नेक्स्ट वीक के मीटिंग में डिसाइड करेंगे, और उसका टाइम हम जल्द आपको दे देंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक है वो म्यूट रखें, और वो आपके कारण किसी और को डिस्टरबेंस ना हो वो चीज का ध्यान रखें। ओके, तो दोस्तों आज का मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, बाकी के लोग ऑन द वे जुड़ेंगे। जो भी लोग आज मीटिंग में किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो ये मीटिंग का लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, और यही मॉड्यूल पूरा का पूरा हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान ऑफिशियल के ऊपर आज के आज उपलब्ध किया जाएगा। तो जब भी जो लोग नहीं आए हैं वो लोगों को आप लोग ये लिंक फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, और अपने ऑफिशियल चैनल फिलान ऑफिशियल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना। ठीक है, और वहां से भी आप पूरा का पूरा आज का मीटिंग आप फिर से सुन सकते हैं। ठीक है, और जो लोग आए नहीं है उनको भी वो लिंक के माध्यम से आप प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग है वो आप दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जाएंगे। ये हमारी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग की जो सीरीज है उसमें ये 7वां प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है। ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज जो लेडीज का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, वजाइनल इरिटेशन इन वुमेन। ठीक है, तो ये लेडीज के जितने भी जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमारा आज का प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 7 है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज है कि यहाँ पे ये सब जो प्रॉब्लम है वो आज बहुत ही कॉमन है,
और ये जो प्रॉब्लम होने की सबसे बड़ी वजह वो है कि भाई आपका यानी कि लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो हॉर्मोन्स है उसका इम्बेलेंस होने के कारण उनको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि कई बार देरी से होता है, 28 दिन के अंदर मेंस्ट्रुएशन होना चाहिए। वो कई बार क्या होता है कि उसका टाइमिंग है वो कई बार बढ़ जाता है, कई बार वो टाइमिंग है वो कम टाइमिंग में भी होता है, यानी कि 28 दिन की जगह पे कई बार 40-45 दिन के बाद होता है और कई बार 20-15-20 दिन में भी लाइक मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो एक हेल्दी वुमन की यही पहचान है कि भाई हर 28 डेज के बाद उसके पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें कोई लाइक आपके शरीर में हार्मोन का इम्बेलेंस है तो उसके कारण ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो 28 दिन की जगह पहले या बाद में आता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम है, समस्या है आज आजकल के जंक फूड और हमारी लाइफस्टाइल के कारण हर दो लेडीज में से एक लेडीज में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम लगभग लगभग 50% लेडीज में है, लेकिन जो हमारी समाज व्यवस्था है उसके कारण वो प्रॉब्लम के बारे बारे में कई बार लेडीज खुलकर बता नहीं सकती है। कई बार लेडीज को डॉक्टर के सामने जाकर वो चीज बताने में दिक्कत होती है, ठीक है। वो शर्म लाइक महसूस करती है, ठीक है। तो वो अवेयरनेस लाने का काम लाइक एज अ फिलान डिस्ट्रीब्यूटर हमारा है, और उसमें भी जो हमारी लाइक वुमन जो डिस्ट्रीब्यूटर है अगर वो ये प्रोडक्ट को लेके कोई लेडीज के पास जाएगी तो लेडीज लेडीज को ये चीज पर्टिकुलर बता पाएगी कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरे को, ठीक है। तो ये जितने भी हमारी वुमन डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोगों के लिए ये एक बेहद ही अच्छा लाइक कॉम्बिनेशन है कि इसके माध्यम से आप ये प्रॉब्लम को लेडीज के ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमन कॉज है जैसे कि व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज, वो भी सेम हार्मोनल इम्बेलेंस या पीसीओडी के कारण व्हाइट या येलो डिस्चार्ज वजाइना में से लेडीज को होता है, और वहां पे भी सेम प्रॉब्लम है कि वो चीज वो कई बार अपने मर्द को भी नहीं बता सकती है, ठीक है। तो वहां पे आप हर एक घर में जाइए, हर दो लेडीज में से एक लेडीज में आपको ये प्रॉब्लम दिखेगा, तो उनके लिए हमारा बेहद ही अच्छा रिजल्ट वाला ये कॉम्बिनेशन है कि जहां पे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और एक अच्छा बिजनेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और जो लेडीज के लगती जो समस्या है वजाइनल इरिटेशन, तो वो भी बहुत ही कॉमन है, वो भी लगभग लगभग दो लेडीज में से एक लेडीज में ये प्रॉब्लम है। तो ये बेहद बड़ा मार्केट है दोस्तों, और ये मार्केट में अवेयरनेस की जरूरत है। तो एज अ फिलान के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते आपको एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपकी जितने भी सखी सहेली है, आपके जितने भी रिलेटिव्स है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ठीक है, वो सब में आपको ये चीज को खुलकर पहले आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ लेडीज डिस्ट्रीब्यूटर आपको जब तक आप उनको पूछेंगे नहीं तो वो आपको बताएंगे नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो चाहे वो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो, व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज हो, या वजाइनल इरिटेशन हो, आप एक खुलकर लेडीज के साथ बात करिए कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या आपके अंदर। जब आप पूछेंगे तो वो आपको 100% बताएंगे कि भाई है, और वहां पे जो अपने प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने है कि जिसका बेहद ही अच्छा रिजल्ट हमने ऑल ओवर इंडिया में लिया है, उसमें सबसे पहला है क्रैनबेरी कैप्सूल। दोस्तों एक क्रैनबेरी करके एक एक्सट्रैक्ट आता है, उसका 500 mg एक्सट्रैक्ट का हमने कैप्सूल बनाया है, 60 कैप्सूल के पैकिंग में है, ठीक है। और इसका बेहद ही अच्छा रिजल्ट ये सब प्रॉब्लम में है। उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में दोस्तों गाइनोसेप कैप्सूल एंड गाइनोसेप सिरप है, जो आयुर्वेदा की टेक्स्ट जो आर्याभिषेक है या भाव प्रकाश है कि जहां पे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदा में जो जड़ी बूटियों का वहां पे लिखा है कि भाई ये जड़ी बूटियां आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो या वजाइनल इचिंग हो या व्हाइट एंड येलो डिस्चार्ज हो या लुकोरिया हो, ये सब डिसीज में ये हर्ब्स का यूज करने से वो डिसीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या हेल्पफुल हो सकती है, यूजफुल हो सकती है। तो वैसे जड़ी बूटियों को हमने आयुर्वेदिक टेक्स में से चूज करके उसका एक्सट्रैक्ट लेके हमने गाइनोसेप सिरप एंड गाइनाफिल सॉरी गाइनाफिल सिरप एंड गाइनोसेप कैप्सूल हमने बनाया है, जो एक आइडियल यूटेराइन टॉनिक है और जिसके माध्यम से लेडीज की इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो या येलो या व्हाइट डिस्चार्ज हो या वजाइनल इरिटेशन हो या लुकोरिया हो, ये सभी प्रॉब्लम, या पीसीओडी हो या पीसीओएस जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं, ये सब जितनी भी जो मैंने बीमारियों की बात की वो हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो भी जड़ी बूटियां आयुर्वेदा में हमारे ऋषि मुनियों ने बोली है वही जड़ी बूटियों का यूज कर लाइक यूज करके
हम लोग ने ये गाइनाफिल सिरप और गाइनोसेप कैप्सूल बनाया है, तो उसका कॉम्बिनेशन में क्रैनबेरी कैप्सूल और हेतल नोनी सिरप के साथ यूज करने से ये चार प्रोडक्ट कम से कम 3 से 6 महीने के लिए यूज करने से आपके जो भी पेशेंट है जिनको ये प्रॉब्लम है उसके सामने आपको बेहद ही अच्छा लाइक रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण ये सब डिसीज होता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जहां पे आप ये कॉम्बिनेशन में चार प्रोडक्ट देते हैं तो वहां पे उसका जो डोजिंग रहेगा वो 3 से 6 महीने का रहेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनल इम्बेलेंस एक ऐसी प्रक्रिया है कि वहां पे आप 3 से 6 महीने का कोर्स देंगे तभी जाके आपके हार्मोन वो है वो बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये 1, 2, या 7, 7 या 10 दिन में अच्छा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जो इसका थेरापी का जो ड्यूरेशन है वो दोस्तों 3 से 6 महीने का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो एवरग्रीन प्रोडक्ट है हेतल नोनी सिरप, उसका भी बेहद ही अच्छा रिजल्ट है क्योंकि नोनी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो सेलुलर लेवल पे काम करता है, तो जहां पे से भी जो ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सेल को वो ठीक करता है और उसके कारण इसका भी रिजल्ट बेहद ही अच्छा है, ठीक है। तो वजाइनल लाइक इरिटेशन हो या वाइट डिस्चार्ज हो या येलो डिस्चार्ज हो, लुकोरिया हो, पीसीओएस हो, ठीक है, या हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण लाइक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो या कोई भी लेडीज का के रिलेटेड डिसीज हो, वहां पे आप ये चारों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप 3 से 6 महीने के लिए देंगे तो आपको बेहद ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज का हमारा प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन 7 था। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है 8 नंबर, जो एसिडिटी और गैस के लिए है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि भाई वुमन के लिए जो 7वें नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो हर 2 लेडीज में से 1 लेडीज में प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे दोस्तों एसिडिटी और गैस का प्रॉब्लम हर 4 में से 3 लोगों को है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेहद ही किफायती रेट पे है, ठीक है, और बेहद ही अच्छे रिजल्ट वाले रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आपको एक बेहद ही अच्छा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। तो वहां पे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन 8 में एसिडिटी एंड गैस के रिलेटेड प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे रखा है आपके सामने। वहां पे भी 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, प्री एंड प्रोबायोटिक एफरेसेंट टेबलेट, जो पूरे मार्केट में पूरे डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ और सिर्फ फिलान के पास है, बेहद ही अच्छे रिजल्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद है फिलाक्स पाउडर, उसके बाद है त्रिफला जूस और उसके बाद है सेफ एसिड सिरप। ये चारों का आप कॉम्बिनेशन देंगे तो किसी भी टाइप की गैस या एसिडिटी की शिकायत होगी तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और जैसे हमने डाइजेस्टिव के कॉम्बिनेशन में भी हमने बात की थी कि 75% डिसीज सिर्फ और सिर्फ गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन के कारण वो होते हैं, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए अगर आप ये चारों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको बेहद ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो दोस्तों प्री एंड प्रोबायोटिक एफरेसेंट टैबलेट एक ऐसा एफरेसेंट टैबलेट है कि जिसमें आपके शरीर में पाचन के लिए जितने भी अच्छे अच्छे बैक्टीरिया है उसका हमने लाइक ब्लेंड तैयार करके उसकी हमने एफरेसेंट टैबलेट बनाई है जो ग्रीन एप्पल फ्लेवर में है। आपको 1 गिलास पानी में 1 एफरेसेंट टैबलेट डाल के आपको दिन में 1 बार पीना है सिर्फ। उससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी गैस एसिडिटी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके शरीर में अगर इनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम है तो ये बैक्टीरिया के कारण, जो गुड बैक्टीरिया है उनके कारण, वो पूरा का पूरा आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और डाइजेशन और एसिडिटी गैस तीनों समस्या में आपको ये प्रोडक्ट राहत देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिलाक्स पाउडर है जो एक आयुर्वेदिक चूर्ण है कि जिसमें हमने इसबगुल, हस्क, आंवला, बहड़ा जैसी बेहद ही कीमती और बेहद ही अच्छी जड़ी बूटियों का यूज किया है कि जो आयुर्वेदा के टेक्स्ट में प्रिस्क्राइब की है कि जिसके कारण आपको गैस, एसिडिटी जैसी कोई भी समस्या हो या इनडाइजेशन भी साथ में हो तो वो भी क्योर करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिलान त्रिफला जूस जो 3 फलों के मिक्सर से बनता है जूस, आंवला, बहड़ा और हरडे, ये 3 जो हर्ब्स है उसके फ्रूट में से ये जूस बनाया गया है और ये जूस की खासियत ये है कि ये भी गैस, एसिडिटी और इनडाइजेशन में 100% रिजल्ट देता है, ठीक है। इसको भी आपको सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने के बाद लेना है, क्लियर। उसके बाद दोस्तों हमने एसिडिटी और गैस के लिए पर्टिकुलर एक सिरप बनाया है जो आयुर्वेदा के, जैसे कि मैंने बताया कि जो टैक्स में प्रिस्क्राइब है वैसी बेहद कीमती 15 जड़ी बूटियों को मिला के उसके एक्सट्रैक्ट बना के उसमें से एक हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड सिरप तैयार किया है कि जो आपकी गैस, एसिडिटी की समस्या में आपको बेहद ही अच्छा रिजल्ट देता है,
ठीक है। तो ये चार प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप गैस और एसिडिटी में देंगे दोस्तों, तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।